प्रिय भाइयों और बहनों, इन पिछले महीनों में हमने पास्का का पर्व, स्वर्ग रोहण का पर्व, पेंतेकोस्ट का पर्व, पवित्र त्रित्वा का पर्व, मसीह के शरीर और रक्त का पर्व और पवित्र हृदय का पर्व मनाया। आज हम वर्ष के साधारण समय के 12वें रविवार में हैं। आइए हम ईश्वर की आराधना करें और उनका धन्यवाद करें और इस दिन को पवित्र रखें जैसा कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, प्रभु का दिन पवित्र रखना। निर्गमन ग्रंथ 20:8। आज का पहला पाठ में हम देखते हैं कैसे नबी यिर्मयाह कई उत्पीड़कों और बुरे लोगों से उन्हें घेर लिया गया था। दोस्त और दुश्मन दोनों उसके पतन को देखना चाहते थे, लेकिन नबी ने अपनी सारी उम्मीद ईश्वर में लगा दी, जो उसके साथ थे और उसे ताकत देते थे। इस प्रकार की कठिन परिस्थिति में हम जीवित ईश्वर में अपनी सांत्वना और शक्ति पाते हैं। हम याद रखें कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं त्यागता है। दूसरे पाठ में संत पौल हमें बता रहे हैं कि यीशु ने न केवल अपनी मृत्यु के माध्यम से हमें बचाया, बल्कि उसने हमें ईश्वर की संतान बनाया है। हमें रोज याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे पिता हैं और हमारी देखभाल करते हैं, जिस तरह एक साधारण पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है। सुसमाचार के पाठ में यीशु हमें सच्चा प्रचारक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। वे हमें बता रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमें उनके शब्दों का खुलकर और बिना किसी डर के प्रचार करना चाहिए। वे हमें बता रहे हैं कि हम इंसानों से ना डरें, हमें केवल ईश्वर के लिए सच्चा भाई होना चाहिए, जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हमें बहुत अधिक और असामान्य चिंता और भय से दूर होना चाहिए। ईश्वर हमारा ख्याल रखता है। ईश्वर पक्षियों और अन्य जानवरों की देखभाल करता है, लेकिन ईश्वर हमें अन्य सभी निर्मित चीजों से अधिक प्यार करता है। हमें ईश्वरीय भय और श्रद्धा होना चाहिए। ईश्वरीय भय क्या है? यह उस निर्माता या स्वामी के लिए श्रद्धा है जिसने हमें सृजन किया और जो हमारी देखभाल करता है। सबसे बड़ा नुकसान जो हम अनुभव कर सकते हैं वह शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, किसी के दिल, दिमाग और आत्मा का नुकसान। ईश्वर का भय आध्यात्मिक परिपक्वता, ज्ञान और सही निर्णय की ओर ले जाता है। यीशु हमें बता रहे हैं, इसलिए हर एक जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करता है, मैं भी अपने पिता के समक्ष स्वीकार करूंगा जो स्वर्ग में है। लेकिन जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने इनकार करेगा, मैं अपने पिता के समक्ष भी इनकार करूंगा जो स्वर्ग में है। संत मती 10:32-33। जब यीशु परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर रहे थे, तो उसने उन लोगों से विरोध और शत्रुता की मुलाकात की जिन्होंने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यदि वे परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, तो उन्हें उसी प्रकार के उपचार की अपेक्षा करनी चाहिए। जिस तरह यीशु को अपना क्रूस ढोना था, उसी तरह शिष्यों को भी अपना क्रूस ढोना चाहिए और इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ख्रिस्तीय देशों में आज के किशोरों की एक बड़ी संख्या ने अपने पूर्वजों के धर्म की उपेक्षा की है। ज़्यादातर मामलों में इनका कारण यह है कि ख्रिस्तीय धर्म को अपने घरों में लागू नहीं किया गया था, और दूसरा कारण कमजोर व्यक्तित्व के मामले हैं। वे भीड़ को अपने खिलाफ धकेलने की कोशिश करने के बजाय उनका अनुसरण करना पसंद करते हैं। वे बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चल जाते हैं। आज के युवाओं में धर्म की गिरावट उनके बुजुर्गों से खराब उदाहरण के कारण है। आइए हम अपने धर्म को पूर्ण रूप से जिएं और दूसरों को भी इसे पूर्ण तरीके से जीने में मदद करें। हम अपने परिवारों में प्रतिदिन प्रार्थना करें, संस्कारों में भाग लें, सभी ख्रिस्तीय गुणों का अभ्यास करें। रोज हम ईश्वर, धर्म और कलीसिया के बारे में
जानने की कोशिश करेंगे। ईश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी हैं, हम उनकी आज्ञाओं में चलें और उन्हें पूरा करें। हमें अच्छे जीवन जीने के लिए दूसरों को उदाहरण दें और दूसरों को ख्रिस्तीय पूर्णता के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें।